Yes, students, in this chapter, first of all, we will start new chapter today. And I have completed political parties chapter. You have to write question answers. This chapter is related with the ninth class chapter. We have completed merits and demerits of democracy. Same, we will start from that. That what is the meaning of democracy? First of all, the meaning should be clear to you. Democracy jo word hai, do words se bana hai bache. Demo means people. क्रेसी क्रेशिया क्रेसी जो वर्ड है वो क्रेशिया ठीक है डेमोक्रेसी का मतलब है डेमो मींस पीपल क्रेसी वर्ड क्रेशिया लैटिन लैंग्वेज में है इसका मतलब होता है क्रेशिया का मतलब क्या होता है रूल तो व्हाट इज डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल रूल ऑफ पीपल रूल बाय पीपल डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल ठीक है हाउ रूल बाय पीपल बिकॉज पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज मींस पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन सो दैट्स व्हाई वी कैन से डेमोक्रेसी का एक अल्टरनेट नाम क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं ठीक है सो इन दिस वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज The rule by the people, rule of the people. Clear? अब इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा डेमोक्रेसी के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने नाइन्थ क्लास में किए थे ना तो दीज वर वेरी सिंपल बट टेंथ क्लास में जो आपका ये चैप्टर है इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है जो वर्ड क्वेश्चन में होगा ना आपने उन्हीं को जस्टिफाई करना ठीक है तो मैरिट्स एंड डीमेरिट्स तो आप सब बच्चों ने किए हुए हैं एक बार मैं फिर से आपको याद करवा देती हूँ कि मैरिट्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी होती है उन कंट्रीज में क्या क्या होता है ठीक है ये जस्ट मैं इसको वैसे ही हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं जो हमने नाइन्थ में किया था क्योंकि अल्टीमेटली हमारा चैप्टर जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड ठीक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये आपको पता ही है कि हमारी कंट्री जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ठीक है द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स देन फंडामेंटल राइट्स ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन आर कंट्री दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स साइड बाय साइड वी हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज आल्सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर आफ्टर दैट फिर इसके बाद क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो है वो पहचान क्या होती है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं इलेक्शन का रिजल्ट जो होता है वही होता है जो लोगों ने जिनको चुन के भेजा है लाइक इंडिया देन वीकर सेक्शंस वीकर सेक्शंस मतलब जैसे रिजर्वेशन हो गई है ना ऐसी कंट्रीज जहाँ पर वीकर सेक्शंस हैं वेमेन है चिल्ड्रन है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाती है सो दैट दे कैन ऑल्सो फील देमसेल्व्स इक्वल इन द सोसाइटी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट आती जाती रहती है बदलती रहती है तो किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन अराइज ना सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है ये आपने बहुत बार किया हुआ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है दैट पावर्स आर सेपरेटेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन्स दो तरह से आपने पढ़े हुए हैं हॉरिजॉन्टल पढ़ा हुआ है वर्टिकल पढ़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और वर्टिकल में क्या पढ़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट पावर्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मोस्टली जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है यानी कि जो जजेस हैं वो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं जजेस दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग देयर जुडिशियल मैटर्स ठीक है देन ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मोस्टली ट्रांसपेरेंसी होती है वहाँ पर सपोज RTI जैसे हम कह सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ठीक है तो ऐसे एक्ट्स हैं एजुकेशन है बहुत से ऐसे राइट्स हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ठीक है तो बहुत से ऐसे राइट्स हमें गिवन है जो हमारे गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाते हैं दे आर आंसरेबल टू अस सो दीज आर द सिंपल मैरिट्स फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है लेकिन इसके अलावा डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स भी हमने पढ़े थे नाइन्थ क्लास में आपको याद होगा ना डीमेरिट्स भी किए थे कि डजंट मीन कि डेमोक्रेटिक कंट्री में 100% सक्सेसफुल जो है वो है लेकिन सम वीकनेसेस आर देयर सम प्रॉब्लम्स आर देयर सम डीमेरिट्स आर देयर ठीक है नंबर वन डिले इन डिसीजन और इनस्टेबिलिटी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है जैसे इंडिया जैसी कंट्री में मेनली
कोलिजन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमेशा इनस्टेबल होती है, इनस्टेबल होगी, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, डिले इन डिसीजन होगा, जितना डिसीजन डिले होगा उतना ही लोगों को इसका नुकसान होगा। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर नेगोशिएशंस नहीं हो पाती हैं, डिले हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग सफर करते हैं क्योंकि डिसीजंस प्रॉम्प्ट नहीं लिए जाते। एक्सपेंसिव इलेक्शंस, रिसेंटली देखा जाए तो इलेक्शंस में जो है वो पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है, एक्सपेंसिव होते हैं। ऑनेस्ट लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना अब एक ड्रीम रह गया है, ठीक है। तो इलेक्शंस में मनी जो है वो उसका बहुत मसल पावर का बहुत यूज किया जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आम देखा गया है कि इलेक्शंस के टाइम पर में बाय हुक एंड क्रूक लीडर्स जो है वो हर तरह से जो है वो जीतने की कोशिश करते हैं। देन क्लैशेज अमंग द मेन कैंसिल लॉ मेकर्स लीडर्स, आसपास जितने भी पार्टीज हैं पार्टीज के बीच में क्लैश होता रहता है। इवन पार्लियामेंट में भी एमपीज के बीच में क्लैशेज हो जाते हैं, कई बार बिल पास नहीं हो पाते हैं, कई बार गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के बीच में, कई बार सीएम और मिनिस्टर्स के बीच में, कई बार पार्टी के बीच में क्लैशेज होते रहते हैं। तो ऐसे क्लैशेज के कारण वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, स्प्लिट हो जाएगी, पार्टीज टूटती रहती है, ठीक है, पार्टी चेंजिंग होती है, डिफेक्शन होती है, तो वो लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे, है ना। देन करप्शन एंड स्कैम्स, मोस्टली अगर देखा जाए तो कल की ही न्यूज में देखा गया है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उन्होंने मतलब कुछ इलेक्शंस के टाइम पीरियड में कुछ लोगों के घरों में रेट, इनकम टैक्स रेट जो है उसके दौरान उनको 5 करोड़ एक लीडर है उसके घर से मिला है ना। तो ये जस्ट है कि इस टाइम पीरियड में पैसा जो है वो ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही होती है, तो करप्शन स्कैम्स के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, और जो मनी है वो पुअर पीपल पर नहीं बल्कि इस तरह से ब्लैक मनी जो है वो ज्यादा सर्कुलेट की जाती है। देन इलिटरेट वोटर्स, हमारी कंट्री में मेनली प्रॉब्लम क्या है, इलिटरेट वोटर्स हैं, तो चाहे उनको राइट टू वोट दे भी दिया जाए, उनको राइट टू वोट की नॉलेज ही नहीं है, उनको उसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो कई बार क्या करते हैं अपना वोट मनी के लिए बेच देते हैं, और अल्टीमेटली वो जिसको चुनते हैं तो वो कैपेबल नहीं होते हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर दैट, व्हाट इज राइट फॉर दैट, है ना। सो ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है वो गवर्नमेंट है वहाँ पे 100% डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, एंड वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण कहीं ना कहीं जो है वो एक डेवलपमेंट को बैरियर लग जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके किए हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इवन ये सारा हमने 9th में किया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टाइप्स क्या होती है, ये भी हमने किया था। डेमोक्रेसी की टाइप्स कितनी होती है, 2 तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे पॉसिबल है जहां पे स्ट्रेंथ कम होती है, जहां पे लोग खुद वो रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते, वो खुद लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा स्विट्जरलैंड में होता था जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे होती थी, वहां पे कुछ एरियाज जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती थी उन एरियाज में लोग खुद मीटिंग्स करते थे, लाइक 1500 पीपल, 1000 पीपल, दे मेट टुगेदर इन अ स्टेडियम और इन अ यू कैन से ओपन ग्राउंड, एंड दे डिस्कस पॉलिसीज एंड दे पासेस द बिल्स, वो खुद पास करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते थे। ऐसी जो मतलब डेमोक्रेसी थी इसको बोलते थे डायरेक्ट, जिसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। लेकिन अब क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन, यानी कि लोग खुद लोकसभा नहीं जाते हैं, हम लोकसभा में जिनको चुन के भेजते हैं वो हमारे MPs हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द पीपल कुड गो इन दिल्ली एंड मेक लॉ, सो वी हैव रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ठीक। इसके बाद मीनिंग के बाद, विच इज द बेटर फॉर्म देन एनी अदर अल्टरनेट, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन इट्स अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेट्स मतलब कौन से अल्टरनेट्स, डेमोक्रेसी के अल्टरनेट्स कौन है, कौन से हैं। सपोज अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, या तो उस कंट्री में डिक्टेटर हो सकते हैं जैसे हिटलर, या मोनार्की, या ऑटोक्रेसी। तो आपने सबका एग्जांपल पढ़ा हुआ, डिक्टेटरशिप का पढ़ा है जर्मनी, जर्मनी में क्या हुआ, मोनार्की, फ्रांस का पढ़ा हुआ आपने, फ्रांस में क्या हुआ, ऑटोक्रेसी रशिया का पढ़ा, रशिया में क्या हुआ। तो हमने पढ़ना है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स
अदर फॉर्म्स, ये वाली अदर फॉर्म्स है, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, वन और टू यानी कि वन और टू और काइंड ऑफ ग्रुप दे कैन होल्ड द पावर, मोनार्की सिस्टम नो इलेक्शंस, हेरिडिटरी रूल होता है फादर के बाद उसका बेटा सन जो किंग बनता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड, नो पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होती है, ऐसी कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगी तो ऑल द पावर्स विल बी इन द सिंगल हैंड, जैसे फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने लुई 16 के बारे में सुना था, ठीक है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स, डेमोक्रेसी इनसे बेटर कैसे, ठीक है। सपोज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता तो पहले आपने ये बताना है कि अदर अल्टरनेट्स जो है डेमोक्रेसी के, मीनिंग बता दो उसका, ठीक है, मीनिंग बता दो, उसके बाद बताओ कि अदर अल्टरनेट्स, डिक्टेटरशिप क्या होती है, एक एक लाइन में उसका मीनिंग बता दो कि डिक्टेटरशिप इज द गवर्नमेंट इन विच ओनली डिक्टेटर होल्ड द कंट्री वन पावर, यानी कि मतलब पावर जो है वो सिंगल या दो या तीन लोगों के हाथ में हो सकती है, ओनली दे आर द डिसीजन मेकिंग पावर, मोनार्की का मीनिंग बता दो, ऑटोक्रेसी का मीनिंग बताने के बाद फिर हमने बताना है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। तो जो मैंने आपको फीचर्स करवाए हैं, आप उन फीचर्स के अलावा भी अब आपने थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है, टेंथ के अकॉर्डिंग आपने आंसर इसको प्रिपेयर करना है ना, तो हमने ये बताना है कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकियों से क्यों बेटर है, बाकियों में क्यों क्या नहीं होता जो डेमोक्रेसी में होता। तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो आंसर्स दोगे, लाइक हेडिंग्स बनाकर या जो मैंने फीचर्स आपको बताएंगे वो भी फीचर्स कर सकते हो अदर देन दिस, इसके अलावा भी मैं और भी फीचर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक जो स्टेटमेंट जो बेस है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, सबसे पहले आपने ये बताना है कि डेमोक्रेसी जो है दैट प्रमोट्स इक्वालिटी, ये भी है फीचर। अब इक्वालिटी किसी में भी नहीं है, देख साथ साथ फीचर देखो और साथ साथ कंपेयर करते जाओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। प्रमोट्स इक्वालिटी, डिक्टेटरशिप इक्वालिटी नहीं देखते, हिटलर के टाइम में नहीं था, मोनार्की सिस्टम स्टेट सिस्टम होता था जब फ्रांस में नहीं था इक्वालिटी। ऑटोक्रेसी में देखा जाए रशिया में जार निकोला सेकेंड के रूल को क्यों चैलेंज किया गया, बिकॉज इक्वालिटी वॉज नॉट गिवन, ठीक है, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड अदर पीपल वर नॉट गिवन राइट्स। इसका मतलब क्या है, ओनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग ऑल द सिटीजंस बाय गिविंग लॉ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है, मैन एंड वुमेन ऑल आर इक्वल एंड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेदर रिच एंड पुअर दे आर गिवन इक्वल राइट्स एंड दे आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, प्रमोट्स इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताना है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स, बिकॉज़ इट प्रमोट्स इक्वालिटी बट इट इज नॉट इन द डिक्टेटरशिप मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक सिस्टम। साथ साथ आपने बाकियों के साथ कंपेयर करते रहना, तभी हम बताएंगे ना कि व्हाई इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स। सिंपल आपने फीचर नहीं बताने, आपने उनको साथ साथ उनको भी कंपेयर करते जाना। आप साथ में लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो, फ्रांस की दे दो, इसमें ऑटोक्रेसी की रशिया की दे दो, डिक्टेटरशिप में हिटलर की दे दो, लेकिन हर बार नहीं देनी, ठीक है। एग्जाम्पल हमेशा दो, लेकिन एक बार ही आपने बताना, यानी कि हर पॉइंट में आपने सेम ही बताओगे, ठीक है। देन सेकंड इज डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, ओनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड डिग्निटी, मेंटेन डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। डिक्टेटरशिप की बात करें, जूश जो है उनको डिग्निटी नहीं दी गई, तो होलोकास्ट हुआ उनका, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वहां पे सबको इक्वलिटी दी जाती है, सेम राइट्स दिए जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। डिग्निटी का मतलब होता है जिस दिन राइट टू वोट होगा उस दिन सारे के सारे लोग एक ही लाइन में वोट देने के लिए, चाहे रिच है चाहे पुअर। उस दिन ये नहीं हुआ कि रिच की लाइन अलग होगी पुअर की लाइन अलग होगी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वीकर सेक्शंस की हेल्प करके सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनकी मेंटेन करती हैं, लेकिन ऐसा इन कंट्रीज में नहीं होता, ठीक है। देन थर्ड इज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, improve
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब आपने रिसेंटली देखा है थ्री फार्म्स बिल, लोगों ने मूवमेंट्स के द्वारा बिल जो है रिपील करवा दिया. तो अब क्या है, गवर्नमेंट फिर से सोचेगी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये डिक्टेटरशिप में, मनार्की में, ऑटोक्रेसी में नहीं होगा, ना कभी हुआ है. ठीक है, हिटलर ने कभी अपना रूल वापस नहीं लिया होगा, लुई 16 ने नहीं किया होगा, ठीक है, जार निकोलस ने नहीं किया. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, जब कोई बिल पास हो जाता है सपोज, और वो बिल लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पास हो पाया, तो लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं, फिर बिल को रिपील कर दिया गया, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में. नाउ इसका मतलब क्या है, ओनली डेमोक्रेटिक, इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है इन ऑफ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करती है. हर लीडर एक्सपीरियंस नहीं होता, हर मिनिस्टर एक्सपीरियंस नहीं होता, मिनिस्टर्स एक्सपीरियंस से सीखते हैं. पिछले अगर सपोज उनके साथ कुछ भी, उनके जो लॉज पास किए गए हैं या कुछ भी ऐसा है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखें. ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का इससे क्या होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और धीरे 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 जो है वो लीडर्स जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना सीखते हैं. कि हर पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत से एक्सपीरियंस गेन करने पड़ते हैं पार्लियामेंट की, है ना. तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो सकते, सिर्फ यहीं पे हो सकते हैं डिबेट एंड डिस्कशन. लोग डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं टेलीविजन पे अपनी एक्सप्रेशंस फ्रीली. आपने देखा होगा कैसे लोग अपने, हमारा मीडिया जो है, आप कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी तरह से कोई भी चैनल देखो, तो पीपल आर फ्री, लोग कुछ भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो उनकी हैं दे कैन एक्सप्रेस, अपनी जो भी उनके थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो, दैट पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली बिकॉज दे हैव बीन गिवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे नहीं होता. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गिवन. ठीक है, क्लियर. देन फोर्थ, प्रोवाइड मेथड्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही ऐसे मेथड्स देती है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स मतलब मेनली मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन ऐसा डिक्टेटर में नहीं हो सकता, मोनार्की में नहीं हो सकता, ऑटोक्रेसी में नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि वहां पे जैसे श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका कहने को तो है लेकिन वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म, वहां पे माइनॉरिटी को ओवर रूल जो है वो किया गया. तो इसका मतलब क्या है, जो डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है सिर्फ वहीं पे ही मेजोरिटी और माइनॉरिटी या फिर अलग अलग रिलीजन्स के बीच में जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी किसी भी तरह से डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको बेटर वे से सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन डिक्टेटरशिप में, हिटलर के टाइम में ऐसा नहीं हुआ, मोनार्की सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, ऑटोक्रेसी में पॉसिबल नहीं. तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी और बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं. लेकिन ऐसा बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता. ठीक है, देन इसके बाद एक और स्टेटमेंट कई बार आ जाती है. अब इन्हीं स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपको पता है कि हमें सारे फीचर्स बताने, पॉजिटिव बताना सा. अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये एक तरह से स्टेटमेंट है. स्पेस अलाउज, डेमोक्रेसी अलाउज रूम और स्पेस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स. कैसे, सपोज एक पार्टी इलेक्शन में जीत गई लेकिन उस पार्टी ने 5 इयर्स तक लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया. ठीक है,
लोगों को ये लगता है कि हमने जिस पार्टी को चुनकर भेजा या कि जिस एमपी को भेजा, जिस एमएलए को भेजा, वो चुनने के बाद या वोट के बाद या इलेक्शंस के बाद उनको भूल गए। 5 ईयर्स तक वो एमपी रहे, एमएलए रहे, अब जब इलेक्शंस में फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से वो कंटेस्ट करेंगे, तो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, हर पर्सन अपनी गलतियों से सीखता है। सेम ऐसे ही चाहे लोग हैं, चाहे कैंडिडेट्स हैं, चाहे कंटेस्टेंट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वोटर्स हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी वन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अलाउज रूम्स और स्पेस टू करेक्ट मिस्टेक्स। सपोज अगर यही स्टेटमेंट आ जाए, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक अलाउ रूम्स और स्पेस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स। तो जितने भी सारे मैरिट्स हैं ना जो हमने सारे डिस्कस किए, वही सारे आपने बता देने। कोई भी स्टेट अगर सपोज ये आए, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इंप्रूव इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, तो इट मीन्स आपने डेमोक्रेसी का ही सारा बताना, सारे फीचर्स आपने जो हमने डिस्कस किए ना अभी, सारे वही बताने। मेन हेडिंग को एक्सप्लेन करने के बाद सारे आपने पॉइंट्स डेमोक्रेसी के फीचर्स के बताने, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब ये क्या है, अलाउज रूम्स और स्पेस टू करेक्ट मिस्टेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्शंस के टाइम पर में पॉलिटिकल पार्टीज सपोज किसी रॉन्ग पर्सन को टिकट दे दिए, उस टाइम उन्होंने उनको नहीं पता, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ जब वो पर्सन जीत गया, वो पार्टी के साथ किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया, तो गलती हो गई। इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में वो क्या करेंगे, दे विल करेक्ट देयर मिस्टेक। वोटर्स क्या गलती करते हैं, बिना सोचे समझे किसी को वोट कर दिए, ऐसे पर्सन को जिसको वो जानते ही नहीं, ठीक है, उसको वोट कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि ये पर्सन जो है ये वोट करने के लायक नहीं था, तो करेक्टेड मिस्टेक्स का मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस में वो ज्यादा केयरफुल रहेंगे। ठीक है, थर्ड में हम बता सकते हैं कि लीडर्स वाइल मेकिंग लॉज, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। लीडर्स हम लोग जो है वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी एक्सपीरियंस नहीं होती। जो लीडर्स हैं, नए नए एमपीज बनते हैं, एमएलएज बनते हैं, जो लॉ पास करते हैं, वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। ठीक है, और यू कांट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सोसाइटी में कितने लोग होते हैं, हर एक को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लॉ बना देते हैं, दूसरा सेक्शन नेग्लेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में फिर उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर तरह के सेक्शन अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर गवर्नमेंट के पास आते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो लीडर्स हैं या जो एमपीज हैं, एमएलए जो है, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी ही उनको अलाउ करती है अपनी गलतियों से सीखना, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारें और नेक्स्ट इलेक्शंस में पूरी तैयारी के साथ लोगों के साथ फिर सामने फिर से वोट मांगने के लिए आए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता, हिटलर के टाइम में नहीं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने गलती की, हिटलर को कभी लगा ही नहीं कि वो गलत है। लुई सिक्सटीन को नहीं लगा कि वो गलत है। ठीक है, इवन उसने अपनी पावर्स को जो है वो डिवाइड भी कर दिया ऑर्गन्स, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स भी बना दिए, लेकिन देन ही मेट विद द सीक्रेट नेगोशिएशंस। ठीक है, उसने क्या किया, आसपास फॉरेन कंट्रीज से नेगोशिएशंस की, देन व्हाट हैपेंड, अरेस्ट कर लिया गया, बाद में उसको ट्रायल किया, सेम उसको और क्वीन जो है उसका डायनेस्टी जो है एंड हो गया, एंड मैक्सिमम रॉबेस्पियर ही बिकेम द न्यू रूलर। ठीक है, देन ऑटोक्रेसी है ज़ार निकोलस ने क्या किया, ड्यूमा बनाई तो सही, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया, ड्यूमा की बिना कंसल्टेशन के, बिना उसने रशिया को वॉर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद लोगों ने क्या किया, पेट्रोग्रेड सोवियत के द्वारा ज़ार निकोलस का रूल जो है उसको ओवररूल कर दिया, एंड देन करेंस्की ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है, ऑटोक्रेसी होती है, वहां पर जो है वो अपनी मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि लोग सेकंड जो है वो नहीं होते। अब लोगों ने ना ही हिटलर को चांस दिया, क्योंकि हिटलर इतना ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि उसने एक्सप्लॉइट किया था लोगों को, कि लोग जो थे वो हिटलर से डरने लगे। तो हिटलर अगर सपोज हिटलर इलेक्शन होते तो लोग कभी हिटलर को वोटिंग ना करते, अगर जर्मनी में द्वारा से अगर कुछ ऐसा होता। लुई सिक्सटीन की बात करें तो वो भी ऐसा ही, ज़ार निकोला सेकंड की बात करें तो वो भी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, लीडर्स जो हैं वो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हैं, मैनिफेस्टोज में, पॉलिटिकल पार्टीज में अपने एजेंडाज को इंक्लूड करते हैं, और जो पिछले साल में नहीं किया वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में करके लाते हैं, ताकि लोग उनके जो है उनको पार्टी को जाने और उनको वोटिंग करें।
ठीक है, तो पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इन इलेक्शंस, वोटर्स ईच एंड एवरी यू कैन से कंटेस्टेंट्स और पार्टी मैन, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स और अलाउज रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल होता है, किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा जो है यहाँ तक हमने किया कि डेमोक्रेसी इज बेटर। अब इसके बाद बच्चे एक और जो है वो मेन डेमोक्रेसी के लिए थ्री वर्ड्स जाने जाते हैं, आप इसमें भी लिख सकते हो लेकिन ये अलग से क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट, ये आपको अलग से भी सेपरेट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप बीच में भी लिख सकते हो, इसके बीच में भी लिख सकते हो, आप अलग पॉइंट बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन ये थ्री वर्ड्स हमेशा याद रखना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट। ये थ्री वर्ड्स हमेशा याद रखना कि सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट होती है। क्या इनका मीनिंग क्या है, हर एक का मीनिंग वन मार्क भी आपको आ सकता है। हाउ यू कैन सी दैट डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिव या व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्यों है, क्या होता है वर्ड लेजिटिमेट का, ना? तो ये वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो ये सेपरेट भी आपको आ सकता है अलग से 5 मार्क्स के लिए, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द हेडिंग्स इन डिटेल, या आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, और इसको आप पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका एक पार्ट यानी कि एक हेडिंग बनाकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आ जाइए, अब इसकी अलग अलग स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, लाइक व्हाई गवर्नमेंट इज, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नोन एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना? और नेक्स्ट आपको ये आ सकता है कि हाउ डज, आप क्वेश्चन की फॉर्म में, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, वर्ड्स आ गए, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सप्लेन। तो कहीं ना कहीं आपने इन तीन वर्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है बाय राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यू हैव टू राइट इन डिटेल, ठीक है? सबसे पहले आ जाओ अकाउंटेबल, अकाउंटेबल जो वर्ड है सिंपल, इसको याद रखो आंसरिंग। अब इसको लेकर हमें सारा पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ बताना है अकाउंटेबल और आंसरेबल कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, क्या होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट? अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट जो है दैट इज आंसरेबल, या गवर्नमेंट जो है उसको अपने एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है? जस्टिफाई इज एक्शन, justify its actions. Clear? Accountable government क्या मतलब है accountable government का, या answerable government का मतलब क्या होता है? Accountable government is a government which is answerable. एक तो वो answerable होती है, और which is required to justify its actions. जिनको अपने actions को justify करना पड़ता है, कौन से action को justify करना पड़ता है? जो भी government करती है, कोई लॉ बनाती है, कोई नई पॉलिसीज बनाती है, कोई पुराना लॉ खत्म कर देती है, नए टैक्स बढ़ाती है, बजट लगाती है, तो आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में डिबेट डिस्कशंस के द्वारा गवर्नमेंट के हर एक्ट को जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफाई का मतलब होता है एक तरफ ऑपोजिशन उनसे क्वेश्चन पूछती है और रूलिंग पार्टी अपने आप को जस्टिफाई करती है, उनको करना पड़ता है, अगर वो नहीं करेंगे तो लोगों को ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए सपोज, तो लोगों को ये मतलब जो है वो पूछेंगे, दे विल आस्क कि व्हाई ऐसा क्यों हुआ, तो फिर जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट कि वी हैव टू डू दिस बिकॉज दिस वाज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, आंसरेबल का मतलब होता है उनको अपने हर एक्ट के लिए
जस्टिफाई करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ना डिक्टेटर होती है, ना ऑटोक्रेटिक होता है और ना ही मोनार्की सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है जो आंसरेबल होती है, जिसको अपने हर एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई नहीं करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उनको चांस नहीं देंगे। ठीक है, और ये क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हमने बताना है, बिकॉज देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द कंट्री, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जिसमें पीपल, सारा प्रोसीजर बता दो कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोग अब लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव, इफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, देन पीपल हैव राइट टू चेंज, लोगों के पास पूरा राइट है कि वो उनको चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बताया है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो आए दिन स्पीचेस देते हैं, अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं। नंबर टू, फिर आप देखते हो लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से क्वेश्चनिंग करती है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, विद दिस वी कैन से दैट आवर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू, टाइम ओवर, आई एम गोइंग टू एंड।